मेरे लिए साढ़े बाय। तो फिर निकल चुके हैं अपने एक नए ट्रिप पे और अभी हम चल रहे हैं कोटा। और भाई साहब ये रोड इतनी ख़राब है ना, फोटो फोटो कुछ भी नहीं आ जा सकती है। पर अभी हम लोग स्पेशली गेस्ट जो बस हमें छोड़ने के लिए आई है मुझे और मेरे पीछे फ्रेंड था उसे, और भाई बस भी खाली है। ऐसा फर्स्ट टाइम है जो अपन लोग बस से उदयपुर जा रहे हैं। नॉर्मली कल तो धीरे धीरे बारिश हो रही थी और भाई साहब आज सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो एक प्रॉब्लम हमेशा मेरे ऊपर अप्लीकेबल है, वो आप लोग मेनली जानते हो अगर मेरे वीडियो देखते हो तो, वो प्रॉब्लम है टिकट की। अभी भी मेरे पास टिकट नहीं है और भाई साहब प्रिंस का टिकट पूरा कन्फर्म है। तो अभी हम लोग अपन चलने वाले लोग कहाँ से अपन लोग के, जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है वो टिकट की है। और भाई साहब अपने पास अभी वेटिंग टिकट भी नहीं है तो जनरल टिकट कटा के ट्रेन निकलते हैं। और अभी अपन पहुँचने वाले सॉरी अभयपुर, अभयपुर से अपनी बोर्डिंग है। तो एक तो भाई रोड छोटी है, ऊपर से यहाँ पे एक गाड़ी लगा रखा है पिकअप, और अपन ट्राई करते हैं निकलने की। जाने दीजिए राइट डायना की डायना आपको गया ना राइट। भाई साहब भसड़ हो गई यहाँ पे, ये इस पिकअप की वजह से अपनी जाम लग चुकी है, थोड़ा डिले हो रहा है और ये अपना एक मुस्तान हो गया, ये टूट गया। तो भाई वहाँ टिकट मिली नहीं अभयपुर में, पटना आना पड़ा, पटना आने के बाद जब टिकट कट चुकी है अब बेफिक्र। तो भाई टिकट कट गई भाई बहुत मुश्किल से, दौड़ के टिकट कटवानी पड़ी। चलो आज चिकन चलेगा तो बारिश का अंदर। तो भाई साहब अपन कोटा पहुंच चुके हैं और प्रिंस चले गया दूसरे रूट में, अपन चल रहे दूसरे रूट में। क्यों? क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है आयुष, उसके पास अभी रुकना है क्योंकि जहाँ मुझे काम है यहाँ से वो लोकेशन बहुत नज़दीक पड़ती है। और प्रिंस तो चले गया अपने अड्डे पे, मीन्स वो महाविनगर थर्ड। और दैन अभी मेरी टाइमिंग थी ऑफिस में मिलने की 5 बजे, पर अभी तो लेट हो गई ट्रेन की वजह से, ट्रेन 1 घंटे लेट थी। तो भाई अभी मैं जिसको इस ब्लॉग में लेने वाला हूँ आयुष, वो जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करा था फिर तब वो मेरे साथ था, मतलब वो तो फर्स्ट ब्लॉग में वो मेरे साथ था। और वो यार वो रहता है बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो चलो अभी मिलवाते हैं आयुष से। वेलकम बैक टू अ न्यू मॉर्निंग। तो गाइज जाना था ऑफिस एजेंट से मिलने के लिए, आयुष के साथ जाना था पर आयुष का एग्जाम था तो वो चले गया। और एक मेरा फ्रेंड है मेरे साथ साहिल, मैं मिलवाता हूँ अपने सभी दोस्तों से। एक तो पहला ये साहिल और एक उत्कर्ष है, प्रिंस है और गुड्डू है। हैंड में चोट लगी है, उसका फेमस डायलॉग है ये। चलो मैं अभी सबसे मिलवाता हूँ और बने रहो हमारे साथ। और उत्कर्ष, ये है मेरा फ्रेंड उत्कर्ष, और ये है साहिल मेरे लिए। हाँ भाई एक फ्रेंड गुड्डू है, और जब भी उसको कॉल करो तो वो हमेशा बोलता है अभी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी जाके रेड मारते हैं उस पर और देखते हैं, अभी रंगे हाथ पकड़ते हैं उसको। ये पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आए हुए हैं फील्ड में क्रिकेट खेलने के लिए, साहिल और ये रहा अपना प्रिंस सुपरस्टार।
साहिल और ये एक दो बंदे हैं जो बाहर के हैं। तो भाई एक इनिंग ख़त्म और अपनी टीम में 28-1 और मैंने बनाया लगभग 12 रन पर बोल्ड क्लीन बोल्ड बॉलर प्ले डाउन। सो अभी गुड्डू बैटिंग पे है। कैच कैच। अरे यार कैच छोड़ दिया। वेल डन यॉर्क होती तुम। हां बॉल ले और छोड़ दो साला। यॉर्क में तुम जमीने के देगा छोड़। यॉर्क में तुम जमीने के देगा ऐसे कर मेरे का ऐसे खेला जाता है। तुम जमीने तोड़ दे देगा मट्टी उट्टी खा। जमीन मार रहे हो कि बॉल मार रहे हो। हल्का बॉल है ये। जो भी रहे प्लेट करना अपन को बल्ला चले गया। भाई साहब इतने दिनों के बाद क्रिकेट खेलने ये मोटू इस मोटू ने हले बल्ला तोड़ दिया नीचे पटक के। बहुत अच्छा। अरे दूसरा मैच फर्स्ट इनिंग कंप्लीट 57 में जीते और अपन आउट हो गए। क्या चल रहा है पैरालाइज हो जाए। बैट्समैन अपने भागे का पेस देख के स्ट्राइक प्रिंस बॉल दौड़न दौड़न डबल। ओह मिस द बॉल। ओ बैटिंग बैटिंग। ये तीसरा मैच है। तीसरा मैच का फर्स्ट इनिंग फर्स्ट बॉल पे बोल्ड सेकंड मैच में भी तीसरा बॉल पे बोल्ड और फर्स्ट मैच में भी ये किसान में तीसरा और फर्स्ट मैच में भी तीसरा बॉल पे बोल्ड। भाई साहब हैट्रिक लग गया तो तीसरे बॉल पे ऐसा एक और खुशखबरी प्रिंस आज प्रिंस ने दो दो कैच लिया वो भी भाई साहब पहला कैच तो इतना शानदार था मतलब मीन सारा कोई बड़ाई कर रहा था और अभी पहले ये दूसरा कैच था स्लिप मिली आई भाई साहब बहुत सॉलिड कैच था। पहली जो मैच थी वो डेड हो गई थी सो उसमें भी फर्स्ट ओवर में आउट हो गया था पर वो मैच रद्द हो गई तो उसमें थोड़ी बेइज्जती कम। बहुत हाँ यार कैसे आए हैं अभी जानते हैं आज। तो भाई अपन ने लास्ट तीन मैच खेला था जिसमें से एक तो रद्द हो गया था बाकी दो मैच में अपन मैच जीरो पे आउट हो गया। तीसरी मैच जो था वो भाई रोमांचक हो गया था। एक ओवर में 13 रन बचे हुए थे मैं बॉलिंग गया कितना एक चौका मारा नहीं सिर्फ एक डबल लिया था बाकी सारा बीट हो गया तो वो मैच जीत गए। उसके बाद अपन लोग जलेबी खाए मस्ती से और देन अभी आए हैं आयुष के रूम पे क्या हाँ जलेबी खाने के बाद अपन पाव भाजी खाए उसके बाद अभी एक चाय ले रहे हैं अभी और देन अभी रात भर आयुष के पास ही रुकेंगे। भाई साहब मतलब ये इस बंदे का एग्जाम था और ये सब नहीं होना। तो भाई आज की ब्लॉग हो गई यहाँ पे समाप्त और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड सी यू बाय। जय हिंद मिलते हैं कल सुबह बाय।